चलूं कि मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और हमारा ताल्लुक सर्गोदियन इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट से है। ये टंडोएलआईआर के अंदर एक इदारा है जो कि टीचर डेवलपमेंट के लिए काम करता है, और ड्यू टू द कोविड-19 हम जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोग तकरीबन मेरे ख्याल से महीना हो चुका है, तो मुख्तलिफ सेशंस और मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट। आज के दिन हम फ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हम फ्रैक्शन के इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखेंगे, बल्कि थोड़ा सा उससे आगे जो उसके ऑपरेशंस हैं, जिसमें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, उसको हम देखेंगे कि विजुअली हम कैसे कर सकते हैं और उससे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। वरना जनरली अक्सर देखा गया है कि फ्रैक्शंस में बच्चे फंसते हैं और उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में अच्छे खासे लोग फंसते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वो जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो जो है आपको विजुअली उसको हल करके दिखाएं, ताकि आप उसको बेहतर तौर पे कर सकें, क्योंकि और जो मैथमेटिक्स एजुकेशन है वो मोस्टली हमारे यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पे काम करती है, और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होने की वजह से हमें उसमें काफी इश्यूज आते हैं, लेकिन अगर आप उसको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल या विजुअल एग्जाम्पल्स के थ्रू लेकर जाए तो वो अंडरस्टैंडिंग में आसानी होती है लोगों के। तो हम उसी थ्योरी को सामने रखते हुए हम इसको आगे लेकर चलते हैं। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में, कि हम जो है इस वर्कशॉप के अंदर एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये रिमाइंड करते हुए चलें कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल, यानी किसी पूरे होल का एक हिस्सा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपको, मैं इसको कैमरे के सामने करूं, देखिए ये आपको एक कंप्लीट दायरा नजर आ रहा होगा, है ना, लेकिन अगर आप इसको ये घुमाते हैं तो ये देखें ये आधा हो जाता है। तो ये जो हाफ पार्ट है, ये पार्ट है इस पूरे होल का। तो ये जो है ये फ्रैक्शन कहलाता है, ये जो पार्ट है ये हाफ कहलाता है, यानी 1/2, और ये इस पूरे क्या कहते हैं इसका हिस्सा है। और अगर आप देखें तो इसको 3/4 की सूरत में हम लिख सकते हैं, और ये जो ऊपर वाला है वो न्यूमिनेटर कहलाता है। अच्छा, देखें तो हम पहला कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि एडिशन करने का। मैंने आपके लिए एक सवाल लिखा है यहाँ पे, जैसे 1/2 + 1/3, इसको एब्स्ट्रैक्ट के अंदर तो आप बहुत अच्छी तरह से यकीनन पढ़ाते हैं, इसके एलसीएम लेते हैं और मुख्तलिफ चीजें करते हैं, लेकिन इसको हम कंसेप्चुअली समझने के लिए कि 1/2 में 1/3 प्लस करते हैं तो क्या होता है, इसको विजुअली देखते हैं। देखिए ये 1/2 के लिए हमने एक रेक्टेंगल लिया और इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये देखें ये 1/2 बन गया। एक पार्ट आपका शेडेड है, अगर आप शेडेड पार्ट के साथ चलें तो ये 1/2 आ जाता है। फिर हमने प्लस लिया और फिर 1/3 के लिए हमने जो है एक पार्ट को शेड किया। अगर आप इसको गौर से देखें तो हमने इसमें एक ट्रिक ये की है कि एक को हमने वर्टिकली डिवाइड किया है 1/2 को, और सॉरी हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है, और 1/3 को वर्टिकली किया है। तो आपको यकीन है ये समझ आया होगा कि कैसे ये 1/2 है, यानी कि दो हिस्से हैं टोटल और उसका एक जो है शेडेड है। इसी तरह से यहाँ पे तीन हिस्सों में से एक हिस्सा शेडेड है। अब इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये जब तक ये इक्वल नहीं होगा ये ऐड नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, देखें जो 1/2 वाला पार्ट है उसको अब हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, और कैसे किया, इस दफा हमने इसको वर्टिकली किया। अब वर्टिकली अगर डिवाइड करने के बाद अब आप गौर से देखें तो इस 1/2 वाले जो हिस्सा था इसके 6 इक्वल हिस्से हो गए, और उसमें से तीन हिस्से शेडेड हैं। इसका मतलब है कि ये 3/6 बन गया। ये हमने प्लस का निशान डाला, फिर ये 1/3 वाले के लिए हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली काटेंगे। तो देखें इसको जब हमने वर्टिकली काटा तो ये भी 6 बराबर हिस्सों में आ गया, और इसमें से दो हिस्से शेडेड हैं तो ये 2/6 हो गया। क्योंकि ऐड करने का मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठा करना। तो अब हम इन पार्ट्स को जब इकट्ठा करेंगे तो ये तीन पार्ट्स हैं और दो पार्ट्स यहाँ हैं, तो ये 5 पार्ट्स हो जाएंगे, और इस होल फिगर के हिसाब से ये 5 पार्ट्स क्या कहलाएंगे, 5/6, यानी कि होल पार्ट, एक होल को हमने 6 इक्वल हिस्सों में किया और 5 उसके बाद,
तो इस तरह से 1/2 में प्लस 1/3 करेंगे तो ये 5/6 हमें इस तरह से विजुअली हासिल होता है। तो हम इसकी एजुकेशन करते हैं कि फर्स्ट कोशिश करें बच्चों को कि वो विजुअली चीजों को करें और कॉन्क्रीट करें, ताकि फिर उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाए तो वो उसके साथ उसको अपने एक्सपीरियंसेस को रिलेट कर सकें। एक और एग्जांपल लेते हैं माइनस वाली। ओके अच्छा देखें, 1/3 के लिए हमने क्या किया कि एक स्क्वायर लिया और उससे एक रेक्टेंगल एक शेप ली और उसको हमने तीन हिस्सों में, इस दफा हमने इसको क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टली इसको काटा और एक हिस्से को शेड किया जिसने 1/3 को रिप्रेजेंट किया। ओके एंड देन हम इसको फिर हमने इसको माइनस और फिर 1/4 के लिए हमने क्या किया इसको वर्टिकली जो है वो फोर हिस्सों में बांटा तो इसने 1/4 को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से अब मजीद अगला स्टेप में बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे 1/3 को, अब ये पहले जो है क्या कहेंगे इसको हॉरिजॉन्टली था तो अब हम इसको वर्टिकली करेंगे। तो वर्टिकली हमने बराबर वाली फिगर को देखते हुए यानी इसको फोर हिस्सों में वर्टिकली बांटा, आप काउंट कर सकते हैं फोर है। तो जब हमने इसको वर्टिकली बांटा तो अब ये फिगर जो है वो बन गई 4, 4, 8, 6, 12। ओके तो 4/12 बन गए जिसमें 4 पार्ट शेडेड हैं और 12 इसका जो है वो टोटल पार्ट हैं। इसी तरह से 1/4 को हमने वर्टिकली तीन हिस्सों में किया तो इस तरह से ये आ गया 3/12। और अब माइनस करने का मतलब है रिमूव कर देना, तो रिमूव हमने कितने पार्ट करने हैं अगर आप 3/12 में देखें तो 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट यहां से निकालेंगे तो 1 पार्ट बचेगा और यही 1 पार्ट जो है वो हमारा आंसर है और ये 1 पार्ट जो है वो 12 पार्ट्स में से निकला है तो ये 1/12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है वो 1/3 में से 1/4 को जो है वो माइनस हमने किया और ये जिसके डिनोमिनेटर दोनों क्या कहते हैं डिफरेंट थे। तो ये और सिमिलर डिनोमिनेटर के लिए मुझे यकीन है कि आपके पास बहुत सारे इसके तरीके होंगे, वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो लेट्स सी, आई होप कि आपको ये प्लस और ये माइनस क्लियर हुआ होगा। इस स्टेज पे आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 1/4 मल्टीप्लाई 2/3 का क्या मतलब है, कि इसको 1/4 में 1/4 का 2/3 कितना होगा। यहाँ पे इसके मायने लिए जाते हैं, ये मायने नहीं है इसके कि 1/4 को 2/3 प्राइम जमा करेंगे तो क्या आएगा, बल्कि बजाय इसके कि जब फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लीकेशन का जो निशान है इसका मतलब है कि 1/4 का 2/3 कितना होगा। तो इसको हम पेपर फोल्डिंग डेमो की मदद से भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और इसको डिफरेंट विजुअल्स के थ्रू भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये आपको मेरे ख्याल से नजर आ गया, ये आपको एक पेज नजर आ रहा होगा, इसको हम क्या करेंगे फोर हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि हमें 1/4 मिल जाए। ये हाफ हो गया और मजीद किया तो ये हमारे पास 1/4 हिस्से हो गए, यानी अगर आप इसको देखें 1, 2, 3, 4 यानी 1 पार्ट जो है 1/4 के बराबर होगा। जैसे ये वाला पार्ट है आपका, ये 1/4 है। अच्छा अब ये 1/4 मल्टीप्लाई 2/3 इसका मतलब क्या है कि ये जो 1/4 है, सॉरी मैं कैमरे के आगे ले आऊं इसको, ये जो 1/4 है इसका 2/3 कितना होगा, यानी इसका 2/3 कितना होगा। तो 2/3 के लिए क्या करना होगा, इस 1/4 को पहले तीन हिस्सों में करना होगा। तो लेट्स मी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं इसको फोल्ड कर लूं तीन बराबर हिस्सों में। ये देखिए तीन बराबर हिस्सों में ये तकसीम हो गया। अच्छा अब ये तीन में, लेकिन आपको कंसीडर क्या करना है 2/3 लेना है। तो 2/3 का मतलब क्या है कि आपके ये शेडेड है, ये दोनों शेडेड है, इसमें लिखा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कलर किया मैंने इसको, ठीक है। तो ये देखें ये 1/4, ये इसका 2/3 ये पार्ट है और यही जो है हमारा आंसर है कि आवाज नहीं आ रही है। आ रही आवाज,
ओके वन अपॉन, जो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आप जरा अपना माइक्रोफोन चेक कीजिए कि वन अपॉन फोर का टू अपॉन थ्री कितना होगा। तो ये टू अपॉन थ्री और यही कितना होगा, ये हमारा आंसर है। ये टू अपॉन सॉरी टू अपॉन थ्री है वन अपॉन फोर का और यही हमारा आंसर है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे और खोल कर हम ये देखेंगे, इसको हम क्रीज कहेंगे कि ये कितने पार्ट्स हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सॉरी मैं नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व, ये टोटल 12 पार्ट हैं और इसके टू पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं। तो ये जो 1 अपॉन 4 का 2 अपॉन 3 है वो क्या बना, 2 अपॉन 16 बना और 12 बना। ये दूसरी एग्जांपल, ओके 2 अपॉन 12 बना और इस 2 अपॉन 12 को फर्दर आप लिखेंगे तो वो 1 अपॉन 6 भी बन सकता है। ये देखें, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार, पांच और छह, और छह पेयर में से एक पेयर शेडेड है। तो यानी 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 जब हम करते हैं तो हमारे पास या तो 2 अपॉन 12 आता है या 1 अपॉन 6 आता है। ओके अब हम इसको क्या कहते हैं, विजुअली बॉक्स के थ्रो करते हैं। ये पेपर फोल्डिंग के थ्रो था, सेम सवाल को हम इसको विजुअली करते हैं। तो वन यानी कि सवाल हमारा वही है कि 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 यानी 1 अपॉन 4 का 2 अपॉन 3 कितना होगा। 1 अपॉन 4 के लिए हमने 1 अपॉन 4 का एक बॉक्स लिया, हमने इसको चार इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। 1 अपॉन 4 को जाहिर करने के लिए हमने एक हिस्से को शेड किया और फिर दूसरी तरफ 2 अपॉन 3 के लिए इसको तीन कॉलम में डिवाइड किया और तीन कॉलम्स हैं तो टू कॉलम के लिए टू यानी टू पार्ट को शो करने के लिए हमें टू कॉलम्स को जो है वो शेड करना पड़ेगा। हम जब इसको शेड करते हैं तो हमें पता चलता है कि दो कॉलम ऐसे हैं जो डबल शेडेड हो गए हैं, जिसको मैंने हरे कलर से जाहिर किया है और यही जो है हमारा आंसर बन जाता है और 2 अपॉन 12 को जो जाहिर करता है। और अगर आप मजीद अगर पेयर्स में जाएंगे तो ये जो है फिर 1 अपॉन 6 में आ जाएगा। स्टेप था इसको मैंने इस स्लाइड पे तोड़ा हुआ है, जब आपके पास ये स्लाइड आएगी तो आप इसके स्टेप भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं एक मिनट लगेगा, मैं रिपीट कर देता हूं। देखें पिछली स्लाइड क्योंकि एनिमिनेटेड थी तो ये अनएनिमिनेटेड है, जिसको मैंने ताकि अब बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो इसके लिए तोड़ा हमने कि जब हम इस तरह के सवाल को हल करने जाएंगे 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 तो हम इनके डिनोमिनेटर को देखते हुए एक बॉक्स बनाएंगे। खाने वाली कॉपी आपके स्कूल में इस्तेमाल होती होगी तो आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए कि इसमें 3/4 का जो है आप एक रेक्टेंगल ले लेंगे, उसके बाद एक साइड 4 वाली साइड को 4 को शो करने के लिए और 2 को करने के लिए और जब आप डबल देखेंगे तो ये 2 अपॉन 12 आ जाता है इसके साथ। ओके लेट्स गो टू डिवाइड डिवीजन 1। अच्छा लेट अस रिमाइंड डिवीजन में जाने से पहले कि डिवीजन का मतलब क्या होता है। ओके डिवीजन जो है देखें डिवीजन जो है वो कई मायनों में इस्तेमाल होते हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि कितने ग्रुप बन सकते हैं किसी भी होल के या किसी भी सेट के, कितने सबसेट बन सकते हैं, और एक और मीनिंग ली जाती है कि कितनी दफा जो है वो माइनस किया जा सकता है किसी नंबर में से। जी हाँ तकसीम करना, और इस तकसीम करने के मायने जो है वो क्या आते हैं तो ये हम रिमाइंड करते हैं। देखें यहां पर 2/5 डिवाइड 2/3 यानी हाउ मेनी 2/3 आर देयर इन 2/5 या हाउ मेनी टाइम्स कैन बी टेक 2/3 फ्रॉम 2/5 यानी 2/5 में से 2/5 में से 2/3 हम कितनी मर्तबा निकाल सकते हैं, कितनी मर्तबा 2/5 में से 2/3 निकाल सकते हैं या ले सकते हैं। तो देखें इसको, इसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, और इस बॉक्स को क्योंकि हमने 2/5 लेना है तो 5 हिस्सों में हम 5 कॉलम्स में हमने इसको क्या कहेंगे डिवाइड किया हमने और 2/5 के लिए हमने 2 पार्ट्स को शेड कर दिया। अब अगर आप देखेंगे गौर से तो ये फिगर आपको जो है वो 2/5 नजर आ रही होगी। अच्छा
अब हमने मालूम ये करना है इसमें से कि 2/5 में से 2/3 कितनी मर्तबा निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा इस फिगर में कि 2/3 जो है वो है कितना, यानी कि 2/3 की जो है वो क्वांटिटी कितनी है। एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा ये वीडियो थोड़ा सा साइड कर दूं। ओके, के 2/ ये 2/5 है, ये फिगर जो आपको नजर आ रही है, हमने इसमें ये देखना है कि इसमें से 2/3 कितनी मर्तबा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2/3 ढूंढेंगे कि 2/3 की क्वांटिटी क्या है जिसको हम निकाल लें। तो 2/3 के लिए हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली 3 पार्ट में करेंगे। और देखें गौर से कि ये वाला टुकड़ा जो है, ये जिसमें दायरा मैंने बनाया है, ये 2/3 है, यानी कि 3 टोटल हिस्से थे, 2 इसमें शेडेड है। अब हमने इस 2/5 में से 2/3 कितनी मर्तबा निकाल सकते हैं, हमने ये मालूम करना है। तो अब अगर आप देखें तो ये दायरे से दो शेडेड पार्ट ऐसे हैं जो इस दायरे से बाहर हैं, तो उसको खींच के ले जाएं उस दायरे के अंदर। तो दायरे के अंदर ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसको उठाकर उधर रख देंगे। अगर आप देखें पिछले वाले में 6 हैं, 6 नीचे, तो 6 में से 4 उसके अंदर हैं और 2 बाहर निकले हुए हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आप अपना बेटा वो जो हेडफोन है ना उसको सेट करें, क्योंकि मैं यहाँ पे एक मोबाइल फोन के साथ की हूँ, साथी मेरे मोबाइल फोन के साथ बैठे हैं, तो वो मुझे फीडबैक दे रहे होते हैं कि मेरी आवाज जो है वो ऑनलाइन जा रही है या नहीं जा रही है। वो जैसी आती है तो वो क्लियर हो जाता है। आपकी वॉइस क्लियर है, आई थिंक प्रॉब्लम आपकी आप वॉइस जी, मेरी वॉइस क्लियर है। मेरे साथ एक और मेरे ऑफिस के साथी बैठे हैं मोबाइल फोन पे, वो लगाकर क्या कहते हैं हेडफोन लगाकर, वो भी इस सेशन को सुन रहे हैं, तो वो साथ साथ फीडबैक देते रहते हैं। तो आप अपने डिवाइसेस को प्लीज चेक कर लें। थैंक यू। आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओके, तो हम यहाँ पर थे, देखें कि हमने पहले 2/5 बनाया, फिर हमने इस फिगर के अंदर ये मालूम किया कि 2/3 जो है वो कितना है। और अब हम क्या करेंगे, अब अगर आप देखें कि इस 2/3 से जो 2 जो है वो बाहर है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, खींच के अंदर ले जाएंगे इस 2/3 के अंदर। तो अब आप देखें ये जो है 6 इसमें पार्टेड आ गए, तो अब इस 2/3 हम कितनी मर्तबा निकाल सकते हैं। तो ये 2/3 के जो एरिया है, इसको हम अगर एक फर्ज करें तो ये कितने 10 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, और इस 10 हिस्से में से 6 हिस्से जो है वो शेडेड है। तो 6/6 मिनट में जरा यहाँ से चैट बॉक्स हटाऊं ताकि मुझे भी नजर आए कि क्या लिखा हुआ है। ओके, तो देखें कि ये जो इसमें से 6/10 टाइम्स जो है हम 2/5 में से 2/3 निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको 2/3 वाले एरिया को हम एक फर्ज करें और ये 10 हिस्सों में डिवाइड है, तो हम इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 6/10 टाइम निकाल सकते हैं। क्यों भाग रहा है ये, इसके आगे कुछ नहीं गया। ओके, तो ये 6/10 टाइम हम जो है 2/5 में से 2/3 निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक दफा और रिपीट करूंगा कि पहला टाइम हमारा तकरीबन खत्म होने वाला है, एक और एग्जांपल के थ्रू। ये मैंने इलस्ट्रेशन आप लोगों के लिए बनाई है, मैं आगे जाता हूँ। 3/5 डिवाइड 2/3, यानी कि 3/4 में से 2/3 कितनी मर्तबा तफरीक किया जा सकता है, कितनी मर्तबा लिया जा सकता है। तो देखते हैं हम 3/4 में से 2/3 कितनी मर्तबा निकल सकता है। देखें ये 3/4 के लिए हमने इस बॉक्स को जो है 4 इक्वल हिस्सों में बांटा और 3 हिस्से हमने इसके शेड कर दिए, और 2/3 मालूम करने के लिए हमने इसको दोबारा से जो है वो क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया। तो ये हमें पता चला कि ये वाला जो एरिया है जिसपे दायरा लगा हुआ है, ये 2/3 है, और इसमें से 2/3 कितनी मर्तबा निकाला जा सकता है। तो 3/4 के जो 3 पार्ट थे वो बाहर थे इस दायरे के, तो हम इसको ऊपर ले गए और 1 बच गया हमारे पास। तो अब अगर आप इसको इंटरप्रेट करें कि 3/4 में से 2/3 एक मर्तबा, क्योंकि ये पूरा 3/4 को इसने घेर लिया है, यानी एक मर्तबा, और एक जो बाहर रह गया है इसकी वैल्यू क्या है इसके लिहाज से, इसमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5 8 पार्ट है, तो उसमें से एक ही शेडेड है 8 में से, तो 1/8 के बराबर हो जाएगा।
यानी कि 3/4 में से 2/3 एक मरतबा माइनस किया जा सकता है और 1/8 टाइम जो है वो माइनस किया जा सकता है। तो ये इस तरह से जो है विजुअली जो है आप कॉन्सेप्ट्स पे या अंडरस्टैंडिंग पे काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है लोगों को रूल रटवा रहे हो कि इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं। और बच्चों से जब पूछा जाता है कि 1/2 × 1/3 इसकी मीनिंग क्या है, तो आई डोंट थिंक कि मेरे ख्याल से 1,00,000 में से 5 बच्चे भी इसका आंसर दे पाते होंगे हमारे मुल्क में, बदकिस्मती से। हमारे पास 3 मिनट हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपना माइक खोलकर कुछ सवाल अगर आप मुझसे पूछना चाहें इन चारों कॉन्सेप्ट्स के हवाले से तो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, आई वेलकम यू। और हम इसके बाद भी ये मीटिंग जारी रखेंगे दूसरे लिंक के साथ अगर हमारे पास मजीद कुछ सवाल हुए हैं।